बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फरहान भाई ने अपने घर अलमिया अब्बास लगाना है तो काफ़ी कॉल आई है, तो हम बहुत ज़्यादा पहले ही बहुत देर हो गए, तो चलें फरहान भाई की तरफ चलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। A few moments later. ले जी माशाल्लाह, हम फरहान भाई के घर आ गए हैं, तो मैं सबसे पहले मामू फरहान के पापा से आपको मिलाता हूँ। ये उनके पापा हैं और साथ इनके घर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये अलमिया अब्बास, ये जो किसकी छबी है, बहुत प्यारी छबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बोलो मंजूर फरमाए। और साथ ये सामने मेरे बड़े मामू, इनको भी सलाम और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। बहुत अच्छे मामू जान हैं, तो जो ये मेरे छोटे मामू हैं इनका नाम अब्बास है, और ये साथ ये मेरी मामा जान है। अल्लाह ताला ने भी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, इनका साया हमारे साथ पे कायम दायम रखें। तो मैं साथ साथ जो नहीं थोड़ा सा आपके इनका घर का भी व्यू दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी ये जो नहीं मेरी एक पिक लगी हुई है, ये तस्वीर जो नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे एक नाना बू हैं और एक दादा बू। अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, इनका दर्जा बुलंद करे, तो इनकी मगफिरत फरमाए। तो ये हम बचपन में छोटे छोटे थे, जब इनकी डेथ हो गई थी ये खुद तो चले गए, लेकिन इनकी यादें हमारे साथ वाबस्त हैं, तो हमेशा इनकी यादें हमारे साथ ही। तो आज मामा जान बहुत ज़्यादा खुश हैं, ताकि अपने भाई आए हुए हैं माशाल्लाह, इकट्ठे तीनों भाई हैं, तो तीनों भाइयों में सारी बात है बहनों की अमान होता है, भाइयों पे बहनें भाइयों को देख खुश होती हैं, तो भाई जिस जगह भी हों तो बहनें के हमेशा दुआएं उनके साथ ही होती हैं। तो हम अलमिया अब्बास को तैयार करेंगे, मैं तैयार करूँगा और अदनान भी तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद साथ फिर हम जो नहीं हदीस इक़सा वगैरह पढ़ेंगे। हदीस इक़सा पढ़ के हदीस इक़सा पढ़ते साथ ही जो नहीं जो हाजिर वगैरह वो माशाल्लाह हम तकसीम करेंगे, वो मिठाई वगैरह वो खाएँगे, मुँह मिठा करेंगे। ताकि आज का दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन है, आज गाज़ी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे की विलादत है, तो जिनकी वालदा का नाम उम्मुल बनीन है, और जो माशाल्लाह बहुत ही बहादुर इनके किस्से थे। तो आज इनका हम परचम वगैरह तैयार करेंगे, जिसे आप परचम कह लें, अलमिया अब्बास कह लें, या दनान भाई भी आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बाएस सआदत की बात है, बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें शर्फ बख्शा है कि हम अलमिया अब्बास तैयार करें। तो मैं तो दनान भाई मिल के इसको अलमिया अब्बास को तैयार करते हैं, फूल वगैरह आ गए हैं, तमाम जो बेसिक मराहिल हैं वो शुरू कर देंगे। तो साथ साथ जो नहीं मेरा दिल है कि आज हमें आपको हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि तीन शुमान की उनकी विलादत थी, उस हवाले से भी थोड़ा सा आपको ना किसी तरह वगैरह आपसे पढ़ूंगा। तो ये हमने फ्रेडा जब लगाने लगे हैं तो देखा है कि उसकी ना सिलाई वगैरह बंद थी आगे से ना, वो बंद थी सिलाई तो वो नहीं थी लग सकी, तो उसे खोल के तो फिर हम उसे तैयार करते हैं। तो इंशाल्लाह तैयार करते हैं, साथ आपसे शेयर करेंगे। और आप एक बात कहते होंगे कि मैं आपकी इन सब से बात क्यों नहीं करवाता, एक्चुअली भाई बात ये है तमाम व्यूवर्स तमाम फैमिली वालों से कि मैंने ना अभी उन्हें ये नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता, मैं सिर्फ ये बता देता हूँ उनसे वीडियो लेता हूँ। तो आपकी सबकी सपोर्ट हेल्प के साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे ब्लॉगिंग अच्छी हो जाएंगे, तो फिर मैं उन सबसे बताया भी करूँगा, उन सबसे आपको मिलाया करूँगा, उन सबसे आपसे बात करवाया करूँगा। तो इसलिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है अगेन एंड अगेन, तो काइंडली जो नहीं अगर जो भी चीज़ मिली अगर अच्छी नहीं लगती उसे लाजमी डिस्क्राइब किया करें, उसे बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आप ब्लॉग का आपका इस किस किस्म का होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे ब्लॉग भी बेहतर होते जाएंगे, अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाया करेंगे। तो साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं नेचुरल दिखाऊँ, जो भी एज इट लाइफ में वो आपके साथ शेयर करूँ, ये डुप्लीकेट वगैरह कुछ ना करूँ। तो चलें तैयार करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, एक एक लफ्ज़ जो हम सिलाई खोलते हैं या बनाते हैं तो हम माशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा कुल वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाही फी हाज़िर सआद व फी कुल सआ वली व हाफिज व क़ायद व नासिर व दलील व आयना हत्ता तुस्कनहु व रज़क़ातुहु व तुमत्तिउ फीहा तवीला रब्बी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये जी हमने दुआ वगैरह पढ़ लिया, तो अब हदीस इक़सा शुरू करते हैं। अलमिया अब्बास माशाल्लाह बस तकरीबन तैयार हो गया, फूल वगैरह लगाते हैं, तो साथ सब अजीज भी आ रहे हैं, दोस्त भाई आ रहे हैं। तो ये साथ मेरा छोटा भाई है, अल्लाह ताला से ज़िंदगी से दे, इसका नाम यासीन अली है, तो ये भी आ गया। साथ मेरा चाचा का बेटा दावर वो आ गया, तो इंशाल्लाह बस सब जैसे इकट्ठे होंगे फिर हदीस इक़सा वगैरह शुरू करेंगे। तो साथ अलमिया अब्बास की तैयारी का भी मराहल साथ साथ शुरू है।
अलमेबाज की तैयारी बस लास्ट मरहल में सिलाई वगैरह निकल गई है, तो मैं जो नहीं फूल वगैरह लगा लूँगा तो दरान पर इसका फटेरा वगैरह लगा लेंगे। बस थोड़ा सा वेट इस चीज़ का होगा, कुछ जो दोस्त हैं वो आ जाएँ और फिर हदीस इकसा वगैरह शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह बस वो आ रहे हैं दोस्त वगैरह, उनकी भी कॉल आ गई, कुछ नज़दीक ही आ गए हैं, तो ये देखे बस इंशाल्लाह फिर अब हदीस इकसा वगैरह आ गए, दोस्त आ गए, उनकी बार कॉल आई कि वो आ गए हैं, तो अब हदीस इकसा शुरू करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया ये हमें कि हम जो नहीं अलमेबाज को तैयार कर सकें, बड़ी आदत की बात है। तो चलिए हदीस इकसा यानी शुरू करते हैं, दोस्त वगैरह सब आ चुके हैं, तो साथ आपको बाद में अलमेबाज की भी ज़्यादत वगैरह साथ साथ करवाते जाएंगे इंशाल्लाह जब नसब करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये माशाल्लाह अदनान भाई हदीस इकसा वगैरह पढ़ना शुरू हो गया, तो हदीस इकसा यानी माशाल्लाह शुरू हो गया, सब दोस्त वगैरह आ रहे हैं, सब मिलकर दुआ वगैरह कर रहे हैं, तो हदीस इकसा माशाल्लाह शुरू हो गया, अदनान भाई पढ़ रहे हैं, हदीस इकसा साथ ख़त्म हो गए, साथ दुआ हैर की जाएगी, तो दुआ हैर करेंगे साथ, उसके बाद फिर मुँह मीठा वगैरह करके तो साथ ना अलमेबाज़ को नसब करेंगे इंशाल्लाह। आपको जी आज का जश्न भी मुबारक हो जी साहब को, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा खुशी है सर, अलमे पास लगने में तो हर घर में लगने मीठा करती हैं, फिर मुँह मीठा करने के बाद अलमे पास न सब करते हैं, तो साथ मुल्क के मुताबिक साथ गपशप भी लगेगी इन सब के साथ, तो बाद में खाना शाना खाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर वाइंड अप करेंगे व्लॉग इधर ही खाना वगैरह तो खा लेने के बाद। जी अलमेबाज छत पे आ गया टेरिस पे, तो इधर अलमेबाज नसब होंगे, चांडी वगैरह बना हुई है कंक्रीट से, तो अलमेबाज नसब करते हैं साथ मामू जान मिलकर, साथ ना मैं इधर चिराग वगैरह जलाता हूँ, लाइट नहीं थी इस वजह से इतना क्लियर रिजल्ट नहीं आया, तो ये जो नहीं हमने पांच दिए जलाए हुए हैं, पाँच तरह पा के नाम इसमें चिराग वगैरह दिया अपने ऑयल वगैरह डाल के, तो उसके साथ जलाता था अगरबत्ती और साफ जगह फूल वगैरह छाड़ डालेंगे खुशबू के लिए, तो फिर बाद में दुआ भी करेंगे, तो बाद में आकर के हुज्जत महदी अलैहिस्सलाम की, तो उसके बाद हमें एक कॉल आ गया कि जो डेथ हो गया, तो नौ बजे जनाजा हमारे अजीज़ हैं उनके, अल्लाह ताला उनकी मगफ़िरत फरमाए, तो फिर उनके जनाजे में शिरकत करना, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वाइंड अप करके तो फिर जनाजे पर निकलते हैं, तो फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो ये मैं चिराग वगैरह जो नहीं जला रहा हूँ, तो चिराग जल गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा नज़ारा हो गया, तो बहुत प्यारा व्यू भी लग रहा है, तो अल्लाह आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट में बताइएगा, तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, न्यू व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आप सब ने प्लीज़ कमेंट में बताना है मुझे। अदरबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ आप लोगों की सेहत पर मैं शेयर करता हूँ, तो सुनाता हूँ आप लोगों, परचम से जुड़े रहो गाजी से वफा करो, परचम से जुड़े रहो गाजी से वफा करो, मिलकर कहो सारे आज़ादार गाजी आलमदार, अब्बास आलमदार, लश्कर हुसैन के सलार, गाजी आलमदार, अब्बास आलमदार, अब्बास आलमदार, हजरत मोहम्मद वाल। मैं अब इसके इर्द गिर्द ना जो चांडी के इर्द गिर्द जो फूल की पत्तियाँ वो वगैरह सारी निछावर करूँगा, तो उसके अलम जो नसब की है उसके इर्द गिर्द, तो ये एक पाकीज़ा जगह होती है, हम ना इसे अच्छे तरीके से गुसल करते हैं जगह को, फिर इधर हमें जूता वगैरह लेके नहीं आना था, इधर हम कुरान पाक इसके इर्द गिर्द बैठ के इनके जेर से तलावत करते हैं, कुरान पाक की अल्लाह ताला की सजदा हुज़ूर होते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो इसको हमें फिर बड़े अदब और बड़ा एहतराम के साथ इस जगह का ख्याल रखना होता है, तो आके बड़ा इज़्ज़त एहतराम वाली ये हस्ती हैं, तो अल्लाह ताला
कबूल और मंजूर करे। फरहान भाई का मामू जान का ये सारा ज़ेर एहतमाम किया हुआ लंगर न्याज ये जो सब कुछ मैनेजमेंट अल्लाह पाक कबूल करे, और ये सब दोस्त बुजुर्ग भाई जो आए अल्लाह पाक इनका भी आया दुआ किया गया सब कबूल मंजूर फरमाए और हर किस्म की दिली ने एक शरी हाजत पूरी फरमाए। इसके साथ साथ जनाब हम नीचे चलते हैं और नीचे जा के खाना वगैरह खाते हैं, तो खाने में देखते हैं कि क्या है। तो ये मामू लोग कज़न हैं, ये एक दूसरे से गपशप लगा रहे हैं, मामूल के मुताबिक कुछ बातें टॉपिक पर डिस्कस हो रही हैं, तो साथ कुछ सियासी गुफ्तगू भी टचिंग हो रही हैं जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। तो चलें जी खाना वगैरह खाते हैं, खाना आ गया है। खाने के साथ जनाब लंगर न्याज में बिरयानी बनी हुई है, बिरयानी वगैरह सब खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो नहीं आज का व्लॉग हम इधर वाइंड अप करते हैं, ताकि इधर से जो नहीं हम लोग सीधा जनाजा चले जाना है, तो टाइम काफ़ी शॉर्ट है। तो इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते शद सदा आबाद रहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो अल्लाह निगेबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।